जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा ऐतिहासिक पटेल मैदान में दिव्यांगों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 24 दिसंबर को किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये प्रतियोगिताएं दो आयु वर्गों में होगी। प्रथम में 13 से 17 आयु वर्ग तथा द्वितीय में 18 से 35 वर्ष के दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ग में सॉफ्ट बॉल थ्रो, बोची, बैडमिंटन, सहायक दौड़ तथा 100 व 200 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता होगी, जबकि द्वितीय वर्ग में 100, 200 व 400 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले लगभग 30 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी के द्वारा 24 तारीख को दिव्यांग खिलाड़ियों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें कि दो वर्ग है, 13 से 17 और 18 से 35 बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें जो 13 से 17 के बीच में है वो है 50 मीटर सहायक दौड़, 100 मीटर सहायक दौड़, बॉची, सॉफ्ट बॉल थ्रो, स्किपिंग और बैडमिंटन। और जो 18 से 35 के बीच में है वो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें करवाई जाएंगी। और इसमें डाइट मंडी पार्टिसिपेट कर रहा है, सहयोग नागचलाव मंडी और स्पेशल स्कूल सुंदरनगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लगभग कोई 150 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं और यहीं से इन्हीं खिलाड़ियों के चयन राज्य स्तरीय के लिए किया जा रहा है, वो जो कि 2 से 3 दिसंबर मंडी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने जा रही है।